देखो भाई, कोई काम ना बिगड़े, दिल ना घबराए, इसकी शक्ल अच्छी नहीं है। अगर ऐसे शब्द आप ना सुने तो आप समझिए कि व्लॉग में जान नहीं है। यही तो कंटेंट है हमारी डब्बा मैडम का। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद डब्बा के जहां में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओह, ये तो डब्बा का जहां नहीं है, ये तो मेरा जहां है। तो वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आइए रिव्यू शुरू करते हैं। चलो तो भाई खुश हो जाओ। बेबी वॉइस में आवाज़ में निकाल कर वो बता रही हैं कि कल ना एक प्रॉब्लम हो गई। मैंने एक्साइटमेंट में नोज़पिन पहन तो ली, लेकिन अब ये उतर नहीं रही है। अब ये मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ये नहीं उतर रही है, तो अब ये नोज़पिन कटवानी पड़ेगी। तो पीछे से फनी भाई चुटकी लेते हुए कहते हैं, नहीं तेरी नाक ही कटवानी पड़ेगी, कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। ये पता होने के बावजूद भी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, तो पेटीएम करो, नहीं हो पाएगा। फ्रेंड्स, कंटेंट शूट करने के लिए अब आ गए हैं हम किचन में। हल्का फुल्का सा नाश्ता बनाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा तो आपसे बनेगा ही नहीं। तो आप हल्का फुल्का ही बनाएंगे ना, वही बनाएंगे जो आपसे बनेगा, और थोड़ा सा बिगाड़ देंगी और थोड़ा सा सुधार देंगी। और उसके लिए मैडम कितनी मेहनत कर रही हैं भाई, वो बर्तन धो रही हैं। पता है बर्तन धोने से सबसे ज़्यादा नफरत है इनको, लेकिन वो बर्तन धोकर दिखा रही हैं कंटेंट के लिए आपको। कहती है कि मैं बर्तन सानती हूँ, चाहे फिर मैं धोऊँ चाहे फिर कोई और धोए, लेकिन बर्तन किसी के लिए जमा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए उसी बर्तन को धो लेना चाहिए और उसी बर्तन को यूज़ कर लेना चाहिए। लो भाई, अब ये नई सीख दे रही है हमें। तो जितनी भी मेरी गृहिणी बहनें हैं, वो सब चीज़ें सीख लो आप डब्बा मैडम से, क्योंकि आपको तो पता नहीं होगा ना, आप तो ऐसे काम करते नहीं हो। तो ये नया काम सिखाया है डब्बा मैडम ने। और आपने नोट किया हो तो इन्होंने कहा है कि ये रात की चाय का बर्तन था, जबकि हमारे तो इस्लाम में कहते हैं ना कि रात को सने हुए बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। कहते हैं कि कोसते हैं, हमारी नानी दादी तो यही कहती थी कि रात को सने हुए बर्तन सिंक में नहीं छोड़ने चाहिए। जो काम ये अब कर रही हैं सुबह को, उसको धो रही हैं, धोकर यूज़ कर रही हैं, वो काम ये रात को भी कर सकती हैं। तो आप ये सोचने वाली बात है कि ये सिर्फ सूट करने के लिए आपको वो बर्तन धोकर दिखा रही हैं, बाकी के सारे बर्तन ये धोएंगी नहीं, वो तो सिंक में पड़े हुए हैं जो कि रात से इन्होंने छोड़ रखे हैं। लो भाई, बर्तन भी धुल गया है, अब एग बॉईल होने के लिए रख देते हैं। तो अब आप इतना लाखों करोड़ों रुपए का जो क्वेश्चन है उसका जवाब दीजिए कि पहले पानी डालते हैं या पहले अंडा डालते हैं। तो फ्रेंड्स, इनको कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि पहले पानी डालते हैं या पहले अंडा डालते हैं। हमें तो पता है लेकिन इनको नहीं पता है, और इनके जो भक्त हैं उनको शायद ये सवाल बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत लाखों करोड़ों रुपये का सवाल है। तो प्लीज़ जाइए और उनके व्लॉग में कमेंट कर बताइए। एग बॉयल हो गए हैं, उस पर कोई ब्लैक पेपर नहीं, कोई सॉल्ट नहीं, कुछ नहीं डाला उसमें, उसको बस ऐसे ही कटोरी में रखकर खाने बैठ गई और कह रही हैं कि मैं अंडे खा रही हूँ और चाय मैंने नीचे ही पी ली थी क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। अरे रे, आज तो कितना मेहनत का काम किया है ना, इतनी जल्दी उठ गई हैं क्योंकि पिज़्ज़ा पेहान के स्कूल में जाना होता है, तो तब ये हमारी डब्बा मैडम जाती हैं। चलो भाई, ये इनकी एक अच्छी बात है जिसको मैं अप्रिशिएट करूँगी, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ जो अच्छी चीज़ है उसके लिए हमेशा अप्रिशिएट करूँगी। भले ही गार्जियंस जो हैं वो इनकी भाई भाभी हों उन बच्चों के, बट सारे काम, चाहे उनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई काम हो, स्कूल से रिलेटेड कोई काम हो, स्कूल में जाने का कोई भी काम हो, तो ये डब्बा मैडम ही जाती है। उसके लिए ये अपनी नींद भी ख़राब करती हैं और सवेरे उठती भी हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो उसके लिए मैं इनको डेफिनेटली अप्रिशिएट करूँगी। अब भाई, अपना नाश्ता तो हो गया, आधा अधूरा चाय नीचे पी ली थी, अंडे ऊपर उबाल के पी ली, खा लिए हैं। तो अब बारी आ गई है फनी भाई का नाश्ता बनाने की। तो जो फनी भाई का नाश्ता बन रहा है वो बन रहा है ऑमलेट, जो कि वो हाफ फ्राई ही खाते हैं। तो उसमें इन्होंने, मैडम कह रही हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, मैडम कह रही हैं कि यहाँ मैंने इसमें ब्लैक पेपर भी डाल दिया, और जब ले जाकर दे रही थी तब कह रही थी तुमने ही तो कहा था, इसलिए इसकी शक्ल अच्छी नहीं दिख रही है। ये आप अगर नोटिस करेंगे तो आजकल ये जो भी कुछ बना रही है ना, उस बात को जरूर कह रही है कि इसकी शक्ल अच्छी नहीं दिख रही। तो किसी भी चीज़ को ना पहले आप प्रॉपर वे में सीख लो भाई। सिखाने के लिए तो दो दो ऑलरेडी हैं आपके घर में, और उसके अलावा भी आप फ़ोन पर अपनी सासू माँ से भी पूछ सकती हैं, अपनी कोई सी खाला से भी पूछ सकती हैं, जो चीज़ अम्मी या भाभी को बनानी नहीं आती है। लेकिन अम्मी और भाभी तो आपके पास ही रहती हैं, आप जब चाहें जब पूछ लें, और जब चाहें जब उनसे सामने से जाकर पूछ कर आ जाए और उस चीज़ को प्रॉपर वे में बनाएं, और एक अच्छा सबूत दे इस चीज़ के लिए कि आप जो है बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर हैं, और जो यंग लड़कियां हैं उनको आप बहुत अच्छी चीज़ सिखा रही हैं। मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि मेरी जो है बेटी है ये काम बिगाड़ती है, और जब मैंने इसको पूछा और कहा कि ऐसे क्यों है, तो वो कहते हैं कि ये डब्बा पी भी तो इसी तरह से काम बिगाड़ देती हैं तो ठीक हो जाता है। तो ये एक कमेंट था, यानी कि ये एक चीज़ें शुरुआत है जिन चीज़ों को मैं हमेशा से कहती हूँ कि आने वाली जो नई जनरेशन है, जो बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं या टीनेज लड़कियाँ हैं, जो इस एज की लड़कियाँ हैं जो धीरे धीरे काम सीखना चाहती हैं या करना चाहती हैं, अगर आप उनको अच्छा सिखाओगे तो डेफिनेटली वो अच्छा सीखेंगी क्योंकि आपको वो बहुत ज़्यादा मानती हैं। लेकिन अगर आप खुद ही काम बिगाड़ेंगी, खुद ही गलत आदतें डालेंगी, खुद ही गलत आदतें दिखाएंगी, तो फिर वो जो बच्चियाँ हैं वो क्या चीज़ सीखेंगी।
अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे ना, तो पहले इनके व्लॉग अल्टरनेट डे पर आते थे और अच्छा कंटेंट मिलता था खूब सारा, मतलब एक तरीके से एंटरटेनिंग व्लॉग होता था। अब कुछ टाइम से, या ये कह लीजिए जब से ये हैदराबाद से आई है ना, जब से इनके एक तो व्लॉग लेट आते हैं, दूसरा मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि जुम्मे के जुम्मे ही वो देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि हर व्लॉग में जुम्मे की नमाज़ पढ़कर आ रहा हूँ, हर व्लॉग में जुम्मा मुबारक बस यही कहते हुए नज़र आते हैं। चलो भाई मैं नमाज़ पढ़ के आ गया हूँ, चलो देखते हैं वहाँ पर डब्बा मैडम क्या कर रही हैं। तो डब्बा मैडम जो है अपनी एक बहुत ही समझदारी का प्रूफ दे रही हैं, जो कि वो खुद कह रही हैं कि मैंने बहुत ही समझदारी का प्रूफ देते हुए थोड़ा सा दूध बच गया था, इसको मैंने उबालने के लिए रख दिया, क्योंकि उबालने से दूध जल्दी नहीं ख़राब होता है। लो ये एक नई बात इन्होंने हमें सिखाई है। ठीक है भाई, ठीक है, इस उम्र में आके अब ये सीखना पड़ेगा कि दूध को उबाल लेने से वो ज़्यादा देर तक चलता है, यानी कि फटता नहीं है। वाह कितनी नई बात है ना यार, मुझे तो पता ही नहीं थी अब तक। ना ही मैं दूध उबालती हूँ, ना ही उस पर के ऊपर से मलाई उतारती हूँ, ना ही उस मलाई का घी बनाती हूँ, ना ही उस घी को घर में यूज़ करती हूँ ताकि मुझे बाज़ार से कम घी मंगाना पड़े। भाई ये सब चीज़ें तो मुझे पता ही नहीं थी। और समझदारी का प्रूफ देते हुए दूध को उबाल दिया, एक तो पहले से दूध कम था, ऊपर से उसको उबाल कर गैस पर गिरा दिया, और गिराने के बाद फिर उसमें पानी डालकर और भी ज़्यादा अकलमंदी का सबूत दिया है कि अगर मैं ऐसे ही छोड़ देती तो ख़राब हो जाता ना, इसलिए मैंने पानी डाल दिया जिससे कि वो अच्छे से फूल जाए और साफ़ हो जाए। मैंने सही किया ना फ्रेंड्स? पूछ भी रही है तो फ्रेंड्स जाकर उनको बताइए कि आपने सही किया है, ये ज्यादा अकलमंदी का काम किया है। तो भाई एक बहुत बड़ी समस्या आके पड़ी है कि जो शादीशुदा औरतें होती हैं, जो बैंगल कड़े कुछ भी पहनती हैं, आटा गूंदने में इतनी ज्यादा समस्या होती है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बैंगल जो है वो आटे में सन जाती हैं। ये भी हमने पहली बार ही सुना है, ना तो हम बैंगल पहनते हैं ना हम आटा गूंदते हैं, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है सब कुछ। तो भाई आज है 11वीं शरीफ और उसमें फातिया होना है, और फातिया होने के लिए कुछ बनाना पड़ता है क्योंकि उसी चीज पर फातिया होती है। और हमारी डब्बा मैडम की ये तबीयत खराब, तो बाजार से फ्रूट लाए गए और उस पर फातिया किया गया, ये काम तो हो गया, हो जाता है। नेक्स्ट डे फिर मैडम की तबीयत ठीक हो जाती है और मैडम आ जाती है किचन में। भाई किचन में आ गई है नाश्ता बनाने के लिए और वो पूछ रही है कि जो भी हम करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे, मैं बना रही हूँ नाश्ता, मैं बनाऊंगी पराठा। तो फनी भाई पीछे से बोलते हैं कि नहीं मैं पराठा नहीं खाऊंगा, मतलब आज उनका पराठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं, क्योंकि रोज रोज पराठे आमलेट रोज खा के बेचारे थक गए होंगे ना। और पीछे से कहीं से आवाज आ रही होती है जो कि हमें सुनाई नहीं देता, लेकिन जब वो कहती हैं तब सुनाई देता है। तो कहती हैं अरे कौवा बोल रहा है, अम्मी कहती हैं जब कौवा बोल रहा होता है ना तो कोई आता है घर में। अब भाई फिर गंभीर समस्या हो गई, मतलब इतने दो लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा सा आटा एक बार में लगा के रख लेती हैं, अगर थोड़े से आटे को हर बार ही लगा लेंगी तो कितना ही टाइम लगता है उसमें, थोड़ा सा आटा है, मुश्किल से 5 मिनट मुश्किल से लगते हैं आटा लगाने में। फटाफट से ताजी आटा लगाओ, ताजी आटे के जो बनती है ना रोटी पराठे जो भी हो, ना केवल उसमें स्वाद भी होता है और अच्छे भी बनते हैं। वैसे भी मना करते हैं कि फ्रिज में रखा हुआ जो आटा है ना उसको ज़्यादा देर तक ना रखना चाहिए और ना ही ज़्यादा पुराने आटे की रोटियाँ बनानी चाहिए, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद वो टाइट भी हो जाता है। तो अब ये जो समस्या है मैडम की, ये बहुत बड़ी समस्या है कि वो इतना ज़्यादा टाइट हो गया है, तो उसको एक बार वापस से गूंद रही हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी समस्या है, पहली बार फेस करने को मिल रहा होगा ना। मुझे तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं पहले भी कभी भी रोटियाँ बनाती थी या नहीं बनाती थी, दिखाई तो देती थी पिछले व्लॉग में, कभी ज्वारे की रोटी कभी किसी चीज़ की रोटी, अब वो सिर्फ व्लॉग के लिए बेल कर दिखा देती थी या रेगुलर बेसिस पर बनाती थी, ये तो भाई ये बेहतर जाने या अल्लाह बेहतर जाने। जब वो आटा थोड़ा ठीक हो गया है तो उसकी रोटियां बना रही हैं और बना बना के इकट्ठा कर रही हैं। भाई जिसको भूख लग रही है पहले उसको नाश्ता दे दो ना, अगर वो रोटी खा रहे हैं। वो पीछे से कह रहे हैं कितनी देर में बनेगी रोटी, और साफ हमें दिखाई दे रहा है रोटियों का इन्होंने ढेर लगा रखा है। वो सोच रही है कि वो जितना भी आटा है ना उसको सारे को पका के रख दे, और एग्जैक्टली उन्होंने यही किया, सारे आटे को पका कर रख दिया और उसी आटे को पूरे जो रोटियां बनी हुई हैं उनको पूरा दिन खाया। भाई ये कैसी लेडी है यार, और कैसी मतलब क्या है इनकी, मतलब समझ में नहीं आता क्या वो दो जो गूंधा हुआ भी आटा है, चलो मैं मानती हूँ कि गूंधा हुआ फ्रिज में रखा है, उसको फ्रिज से निकालो, दो रोटी अपनी बनाओ, दो फनी की बनाओ, दो या तीन, पांच रोटी, छह रोटी उनको बनाओ, हैंड टू हैंड उनको खा लो, कंज्यूम कर लो, और उसके बाद फिर रात हो जाएगी, रात को जब डिनर में बना रहे हो फिर से निकालो, फिर से बना लो, उसमें कितना ही टाइम लगता है। लेकिन आलस, लेकिन कंटेंट, अब इसको क्या ही कहेंगे, इकट्ठी बना के दुनिया भर की रख ली जो कि वो मांग रहे हैं और उनको दे नहीं रही है, इकट्ठी कर करके वही किचन में रख रही हैं। और भाई जिंदगी में कुछ भी करना ये सीख दे रही हैं कि जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन जो फ्रिल वाली जो बाजू है वो कभी मत बनाना। तो फनी भाई कहते हैं तो फिर तुमने क्यों सिलवाई है, सीख तो तुम दे रही हो। तो कहती हैं कि ये मैंने सिलवाई नहीं है, ये मुझे आया था, मतलब प्रमोशन में आया था तो उसको मना नहीं कर सकते ना। तो कहती हैं ना ये कभी सिलवाना जिंदगी में, और अगर सिलवा लिया फैशन के लिए तो कभी भी किचन में पहनकर मत आना। उनके सबके सोल्यूशन होते हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा भी माइंड हो तो उनको आप फोल्ड करके आराम से अपने सारे काम निपटा
खा सकते हैं। फाइनली बेचारे फनी भाई को दे दी है, वो रोटी दे दी है, एक टमाटर की चटनी बनाई हुई है वो दे दी है, और दही दे दी है, और कहती है चाय लेकर आ रही हूँ। दही और चाय का एक साथ का कॉम्बिनेशन किसी ने खाया है भाई? मुझे तो, मैंने तो नहीं सुना है किसी ने कि दही और चाय एक साथ खाई हो। एक टाइम पे या तो दही खाओ या फिर चाय यूज़ करो। और उसके बाद इस व्लॉग का मेन कंटेंट यानी कि बाहर घूमना, गाड़ी में बैठ के जाना, शॉपिंग दिखाना, चाहे फिर वो थोड़ी सी हो, फिर वो ज़्यादा हो, या फिर वो किसी की ज़रूरत की चीज़ हो, या फिर बिना ज़रूरत की चीज़ हो। तो चलो यहाँ पर देखा जाए तो एक तरीके से वो ज़रूरत की चीज़ ही है। गाड़ी में बैठ कर चल दी है शॉपिंग करने के लिए, और वो भी क्या शॉपिंग करने के लिए? एक बुके लेने के लिए। बुके क्यों लेना है? क्योंकि इनके यहाँ कोई फैमिली डॉक्टर है, जो डॉक्टर वही हैं जो आपने देखा होगा जब दोनों बच्चों का एक्सीडेंट हुआ था और उनके यहाँ पर पट्टी बांधते हुए वो नजर आए थे, जो कि हमने एक ही बार देखे हैं। तो वो जो डॉक्टर है वो इनके फैमिली डॉक्टर, इससे पहले और उसके बाद हमने कभी भी ना इनका नाम सुना है, ना इनका जिक्र किया है, ना इनका कभी कुछ किया है। तो उनके यहाँ जाते हैं, उनकी जो घर की जो एक पार्टी थी, जो कहते हैं ना घर की बिस्मिल्लाह कराते हैं, उसकी एक पार्टी थी जिसमें ये नहीं गए। अब क्यों नहीं गए भाई, ये तो ये बेहतर जाने। लेकिन ये बाद में जा रहे हैं, यानी कि जब सारे लोग थे तब ये लोग नहीं गए, अब ये पर्सनली अकेले जा रहे हैं। तो फाइनली घर ऐसा भी होता है, उनके घर जाते हैं, बुके ले लेते हैं, बच्चों के लिए चॉकलेट ले लेते हैं, और फिर वहाँ से निकल पड़ते हैं उनके घर जाने के लिए। क्योंकि वो उसी बिल्डिंग में थे तो अब कार की ज़रूरत नहीं है, नीचे ही अम्मी मिल जाती हैं, सलाम दुआ हो जाती हैं, और पहुँच जाते हैं डॉक्टर साहब के घर। तो देखो भाई, जो चीज़ अच्छी होगी वो डेफिनेटली अच्छी ही लगेगी। तो जो जिस तरीके से करीने से, जो बहुत ही अच्छे तरीके से घर सजाया हुआ था, घर को डेकोरेट किया हुआ था, जो कलर चूज़ किए गए थे, जो चीज़ें चूज़ की गई थी, वो वाकई वो देखने लायक थी, और बहुत ही अच्छे तरीके से करीने से पूरा घर डेकोरेट हुआ हुआ था, जो बहुत अच्छा लग रहा था। और सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा, जो कि इन लोगों में तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, उन्होंने जो नाश्ते में जो चीज़ें लगाई थी, हाथ की बनी हुई चीज़ें थी, सारी घर की बनी हुई चीज़ें थी, होममेड कुकिंग थी, और वो देखो इन लोगों के लिए उन्होंने घर पर प्रिपेयर किए। इन लोगों को क्या होता है, बस बाजार से ले आओ और खिला दो, मतलब एफर्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। किसी भी व्लॉग में 3 से 4 बार अगर ये चाय का नाम ना लें और चाय ना पिएं तो भी व्लॉग कंप्लीट नहीं होता है, जो कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बनाते हैं, उन्होंने अपने हाथों से बनाकर इनको दी, तो चाय से इनका जो नाश्ता है वो कंप्लीट होता है, और उसके बाद विदा ली जाती है। अब खास बात ये है कि जब ये एक ही सोसाइटी में रहते हैं, मुस्लिम फैमिली है, फैमिली डॉक्टर बता रहे हैं, तो ईद पर वो लोग इनके घर क्यों नहीं आते हैं पिछले 3 साल में, ये लोग उनके घर क्यों नहीं जाते हैं, या ऐसे भी मिलने के लिए क्यों नहीं आते हैं? इनका बर्थडे हो तो उनको क्यों नहीं बुलाया जाता, एनिवर्सरी हो तो क्यों नहीं बुलाया जाता, और उनका होता है तो क्यों नहीं बुलाया जाता? वो रिजर्व हैं या ये रिजर्व हैं? भाई देखो, उनको तो हम नहीं जानते, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वेलकम किया, जिस तरह से इनकी मेहमान नवाजी की, उससे लगता है कि वो लोग बहुत ही अच्छे और एटिकेट वाले हैं। मतलब उनको मिलना जुलना और अपने हाथों से चीज़ें बनाना खिलाना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो एक बार की मुलाकात में ही पता चल जाती है चीज़ें। और ये लोगों को तो भाई हम 3 साल से देख ही रहे हैं, कैसी आदत है, कैसे लोग हैं, नो एफर्ट लोग हैं, रिश्ते बनाने से तो दूर दूर तक कतराते हैं। मैंने तो कोई बच्चे भी ऐसा नहीं देखा कि कोई फ्रेंड्स हो, रिजा की कोई फ्रेंड नहीं है, मैंने नहीं सुना कभी आज तक भी कि वो ये कह रही है कि मेरी ये फ्रेंड है, वो घर आ रही है, या मैं उससे बात कर रही हूँ, या कभी भी किसी फ्रेंड का नाम लिया हो। ना तो हमारी डब्बा मैडम के कभी भी कोई फ्रेंड रहे, उन्होंने उस बच्ची, जो पिज़्ज़ा बच्ची है ना, उसको बस अपना फ्रेंड बना लिया, उसको टाइम से पहले बड़ा और मैच्योर कर दिया, और खुद उससे भी छोटी बच्ची हो गई है, कि ज़्यादा चीज़ों की जानकारी नहीं है, बेबी वॉइस निकालना और सारी चीज़ें बिगाड़ देना। तो ये था फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हमने 2 पार्ट में बनाया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।